अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग हियर एंड वाचिंग माय वीडियोस। सो आज मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो समर्स स्पेशल खीरे का रायता, जिसे आप रोटी या चावल दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, और दूसरा ये कि माइक्रोवेव में नूडल्स हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ समर्स में भी गैस कभी भी चली जाती है, दिन हो या रात। तो पहले चलते हैं नूडल्स बनाने की तरफ। तो मैं नॉर का चटपटा फ्लेवर बनाने वाली हूँ। वैसे हर फ्लेवर की रेसिपी सेम ही है, तो मैंने ले लिए हैं नूडल और बाउल। अब मैं नूडल्स, पानी और टेस्ट मेकर को एक बाउल में डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। नूडल्स रख दिए हैं मैंने माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए मीडियम हाई टेम्परेचर पर। हमारे बहुत ही टेस्टी नूडल्स तैयार हैं, बहुत टेस्टी बने थे और सेम गैस स्टोव जैसे ही बने थे। अब चलते हैं अपनी समर से स्पेशल रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही, और ये मैंने लिया है पुदीना, 2 छोटे प्याज, 2 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के टुकड़े और 2 खीरे। वैसे ये क्वांटिटी 1.5 पाव दही के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही को मैं अच्छी तरीके से बीट करूँगी कि कोई भी उसका लम्स बाकी ना रह जाए। दही अच्छे से बीट हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी स्मूथ हो गई है। चीज़ें ऐड करने के लिए दही बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो मैंने खीरे लिए थे उनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छे से ग्रेट करना है, कोई भी बड़ा पीस बाकी नहीं होना चाहिए, वरना दही में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। खीरे ग्रेट हो गए हैं, अब हम इन्हें डाल देंगे दही में। याद रहे कि दही में पहले से पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि खीरे में बहुत पानी होता है, और खीरे एक साथ भी नहीं डालने हैं, क्योंकि फिर दही का टेस्ट कम हो जाएगा अगर खीरे ज़्यादा हो गए तो। इसलिए खीरे भी आहिस्ता आहिस्ता हम दही में डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, और कंसिस्टेंसी भी देखते रहेंगे कि कहीं खीरा ज़्यादा ना हो जाए। वैसे 1.5 पाव दही में 2 खीरे बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। सो दही और खीरे अच्छे से रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपनी आगे की रेसिपी की तरफ। ये 2 प्याज लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है, और इनको भी डाल देंगे खीरे और दही में। अब इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, और काली मिर्च भी डालेंगे 1 चम्मच, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ले लिया है मैंने पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें, इन्हें ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इतना ब्लेंड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से कूटेंगे और डाल देंगे दही वाले मिक्सचर में, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सो रायता रेडी हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि बहुत थिक हो रहा था, ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगता। अब बस लास्ट स्टेप बाकी है, इसमें लगाएंगे ज़ीरे का भगार। वैसे कड़ी पत्ते का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था। सो भगार लगाने के लिए एक पैन में डाल देंगे ऑयल अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को ब्राउन करके डाल देंगे रायते के ऊपर। तो बहुत ही टेस्टी लाइट वेट रायता तैयार है। लेकिन दिल कर रहा था इसको रोटी के साथ नहीं, चावल के साथ खाएं, तो मैंने ऑर्डर कर ली है चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।